भाई आज हम लोग स्टार्ट करेंगे थर्ड लैब है ना हम लोग की थर्ड लैब है सबट्रैक्शन ऑफ 28 बिट नंबर यूजिंग 8085 माइक्रो प्रोसेसर की। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग जब प्रोग्राम लिखते हैं सबसे पहले होगा क्या कि हमें जो नंबर को माइनस या प्लस करना है ठीक है एडिशन सबट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन जो भी करना है सबसे पहले क्या होता है उस नंबर को डिसाइड करना पड़ता है उसको डिफाइन करना पड़ता है माइक्रो प्रोसेसर के ठीक है। तो होगा क्या होगा फिलिंग ऑफ डाटा पास सब्ट्रैक्शन। हम रिज्यूम कर लेते हैं हमारे पास दो नंबर है जिनका हमें सब्ट्रैक्शन करना है उसके लिए हमें रैंडमली एड्रेस डिफाइन करना है तो हमने रैंडम एड्रेस ले लिया 2301। आप कोई भी एड्रेस ले सकते हैं ठीक है 301 या कुछ भी। तो हमने रैंडम एड्रेस लिया 2301 जिसपे हमने एक रैंडम नंबर लिया 87 इन हेक्साडेसिमल नंबर ठीक है। नेक्स्ट एड्रेस पे हम क्या लेंगे 2302 पे अगला जो नंबर हमें चाहिए सेकंड नंबर हमने क्या लिया था 4B लिया था। दोनों का क्या करना है हमें सब्ट्रैक्शन करना था दोनों के सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर क्या आएगा वो आप लोगों को अभी आगे चल के जब हम प्रोग्राम करेंगे तब भी मिलेगा। ऐसे भी यदि आप सॉल्व करके देखेंगे तो आपको आंसर कितना मिलता भाई 3C है तो आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा तो आपको आंसर मिलेगा 3C। वैसे भी नहीं आ रहा तो आप क्लियर कर लीजिए 7 में क्या होगा यहाँ से कैरी जाएगा 16 का 16 प्लस 7 कितना होता है 23 23 में से बी कितना होता है 11 होता है ना तो 11 इज माइनस करोगे कितना बचेगा 12 को क्या बोलते हैं सी क्लियर yes, और 8 से यहाँ कितना हो गया 7 में से 4 गया कितना हुआ 3 तो आंसर हमें 3C है मिलेगा। और वो देखते हैं क्या ऐसा हमारी किट आंसर ला के देती है या नहीं देता और ये कहाँ पर सेव होगा नेक्स्ट आपके एड्रेस पर 2303 पे जो भी नेक्स्ट एड्रेस होगा उसी पे सेव होगा अदरवाइज यदि आपको किसी और पर्टिकुलर एड्रेस पे सेव कराना तो एड्रेस आपको डिफाइन करना क्लियर अदरवाइज ये नेक्स्ट एड्रेस ही लेगा। अब क्या करेंगे यदि हमें स्टार्ट करना है तो सबसे पहले क्या करें निमोनिक्स लिखने होंगे प्रोग्राम लिखना होगा जो हमें समझ में आए फिर उसके बाद हम अगला क्या करेंगे उसकी प्रोग्रामिंग करेंगे जो मशीन को समझ में आए। तो अगला क्या होगा निमोनिक्स लिखेंगे सबसे पहले क्या करेंगे हम इस एड्रेस को लोड करेंगे 2301 को तो क्या करेंगे उसके लिए कमांड होता है LXI H और एड्रेस क्या है 2301 ठीक है। तो क्या होगा 2301 पे जो भी एड्रेस पे जो भी डाटा होगा वो क्या करेगा लोड हो जाएगा HL पेयर क्लियर HL पेयर को ही मेमोरी कहते हैं क्लियर है बोल सकते हैं ठीक है। तो अब क्या होगा यदि हम देखें तो यहाँ पे क्या होगा 2301 कितने बिट का है 2 बिट है कितने का है 16 बिट का है ना मतलब ये देखा जाए 2 बाइट इंस्ट्रक्शन है और ये कितना है 1 कुल मिला के कितने बाइट का इंस्ट्रक्शन है ये 3 बाइट का है 2 का तो एड्रेस हो जाएगा ना 16 बिट का और एक आपका LXI तो 3 बिट का होगा देखिए आपके पास 1 2 3 क्लियर 3 बिट मतलब आपको एड्रेस जो ऑक्यूपाई करना है इसके लिए कितने आगे क्या करेंगे फिर अब जब ये एड्रेस ये आ गया हमारे सेल पे मेमोरी में आ गया है तो उसको क्या करेंगे एक्युमुलेटर में मूव कराएंगे उसके लिए कमांड क्या होगा मूव ए कामा एम क्या होगा जो एम में आपके डाटा है वो कहाँ जाएगा मूव करेगा कॉपी और पेस्ट ही होता ना वो एक्युमुलेटर में जाएगा ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा अब हमें क्या करना है ये नंबर तो आपके एक्युमुलेटर में आ गया अगला क्या करेगा अगले एड्रेस पे ये नंबर इसको हमें लोड कराना है उसके लिए क्या कमांड यूज करेंगे INX ठीक है इंक्रीमेंट कमांड है दैट इज एच मतलब IH क्या था मेमोरी मतलब क्या था HL पेयर जो ये एड्रेस था तो इसको इंक्रीमेंट करेंगे 2301 से कहाँ जाएगा 2302 पे जाएगा 2302 पे क्या है कोड 4B ठीक है 4B लोड हो गया अभी HL पेयर में मेमोरी में दोनों आपके क्या हो गए HL पेयर में सेव हो गए। अब क्या करेंगे अगला हमें करना था एडिशन या सब्ट्रैक्शन एडिशन यदि करना होगा तो ऐड कमांड क्लियर सब्ट्रैक्शन करना है तो SUB सब्ट्रैक्शन करेंगे या मिस मेमोरी में ठीक है। तो क्या होगा दोनों नंबर का सब्ट्रैक्शन परफॉर्म होगा और रिजल्ट आपको मिलेगा जो रिजल्ट मिलेगा अब वो कहाँ पर होगा एट दैट टाइम मेमोरी कह सकते हो एक्युमुलेटर में ही होगा एक्युमुलेटर से क्या करना पड़ेगा उसको इसी पर्टिकुलर लोकेशन पे हमें सेव करना पड़ेगा कौन सा लोकेशन है 2303 तो आप क्या करोगे कमांड यूज करोगे STA एक्युमुलेटर से किस पे ले जाएंगे 2303 पे ठीक है। तो क्या करेगा यहाँ पे जो भी आपका रिजल्ट आया था जाके कहाँ सेव हो जाएगा 2303 पे जो कि होगा 3C आफ्टर दैट क्या करते हैं हम यूज करते हैं हाल्ट कमांड जिससे क्या होता है प्रोग्राम हमारा टर्मिनेट हो जाता है ठीक है।
इसके बाद अब क्या करेंगे, ध्यान देना, अब हमें प्रोग्रामिंग लिखनी है इनको मशीन में कैसे फिल करेंगे, ठीक है। तो हम रैंडम एड्रेस ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए ले लीजिए 2000 ले लीजिए, 2000 से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले कौन सा भरते हैं, लोअर भरते हैं अपर भरते हैं, क्या भरते हैं, तो सबसे पहले क्या भरा जाएगा यहाँ पे, सबसे पहले कौन सा है हमारा 21 है, तो सबसे पहले क्या हो गया 21। नेक्स्ट क्या होगा 2001, क्या आ जाएगा नेक्स्ट 01। अगला 2002, क्या आ जाएगा 23। अगला क्या होगा, अच्छा ये तो 3 हो गया, 3 बाय डिस्ट्रक्शन। फोर्थ क्या होगा, मूव वाले का 2003 कितना होगा 7, ये इसका कोड होता है। फिर अगला क्या है 2004, उसमें आएगा INXH का कोड 23। अगला क्या होगा 2005, इसका कोड क्या है सबयम, इसका कितना है 96। अगला क्या है STA, कितने बाइट का है 3 बाइट का, फिर से 3 बाइट में लिए क्या हम स्टार्ट करेंगे 6। पहला क्या है 32, अगला 7 पे 03, 2008 पे कितना है 23, और लास्ट में हाल का कमांड होगा कितना होता है उसका कोड 76। ये होती है हमारी प्रोग्राम। देखिए सबसे पहले क्या प्रेस करेंगे, रीसेट बटन, ठीक है। रीसेट होने के बाद क्या करते हैं, रियल एग्जामिनिंग, रियल एग्जामिनिंग के बाद क्या करते हैं हम एड्रेस देते हैं जहाँ पे हम पहले डाटा फीड करेंगे, कितना था 2301, उस पर कितना था डाटा 87, बोलते रहिए आप लोग 87। नेक्स्ट क्या था, और नेक्स्ट एड्रेस पे था 3B ना 4B, 4B हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, इसको फिल कर देंगे, ठीक है, फिल वो कर दीजिए रीसेट। रीसेट के बाद अब क्या करेंगे सब, अब इसके बाद हम प्रोग्रामिंग लिखेंगे, यही तो होता है प्रोग्रामिंग के लिए। क्या करेंगे फिर से सेम स्टेप फॉलो करो, रीसेट के बाद रियल एग्जामिन, उसके बाद एड्रेस, एड्रेस हमने कितना दे रखा 2000 से 2000 मेमोरी। नेक्स्ट करेंगे कोड देखते रहे, 21 पहला है, नेक्स्ट 01, नेक्स्ट 23, नेक्स्ट 7E, नेक्स्ट 23 ना, नेक्स्ट है 23, फिर 96 है 96, देन 32, देन 03, देन 23, 76, क्या होगा प्रोग्राम यहीं पे टर्मिनेट होगा। इसके बाद क्या करते हैं हम फिल करेंगे एंड गो करेंगे, ठीक है। फिल एंड गो करने के बाद क्या होगा, हमें कुछ दिखाई देता है कोड, इसके बाद इसको चेक करेंगे क्या हमारा ये एग्जीक्यूट हुआ है या नहीं। उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे स्टार्टिंग एड्रेस डालेंगे, स्टार्टिंग एड्रेस कितना था 2000, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे फिल, फिल जैसे फिल करेंगे तो यदि एग्जीक्यूट होगा तो ये आएगा, एरर होगा तो एरर लिख के आ जाएगा, एग्जीक्यूट हो गया हमारा सक्सेसफुली, फिर रीसेट कर दीजिए। अब क्या करना, हमें रिजल्ट देखना है। रिजल्ट के लिए क्या करेंगे, फिर से रियल एग्जामिन पे जाइए, और हमारा कहाँ पे सेव हुआ था 2003 पे। आप उसके बाद क्या करें, मेमोरी नेक्स्ट करिए, आपको रिजल्ट मिलेगा 3C। आई थिंक यही रिजल्ट हमारा वहाँ भी आया था 3C, और हमारा 3C वेरीफाई हो गया।